जय श्री कृष्ण। दोस्तों भगवान श्री हरि विष्णु ने धर्म की रक्षा हेतु हर काल में अवतार लिया। वैसे तो भगवान विष्णु के अनेक अवतार हुए हैं, लेकिन उनमें से 10 ऐसे अवतार हैं जो प्रमुख रूप से स्थान पाते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भगवान श्री हरि विष्णु के 10 अवतार यानी 10 अवतार की पौराणिक कथाओं के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों मेरा नाम संतोष यादव और आप देख रहे हैं द डायमंड टॉक। दोस्तों संडे स्पेशल टॉप 5 की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि यार हमारे YouTube चैनल द डायमंड टॉक को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि सनातन धर्म से जुड़े हुए वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। हमने देखा है कि 98% लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते लेकिन वीडियो देखते हैं। दोस्तों आपसे निवेदन है कि यार चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा, ताकि सनातन धर्म से जुड़े हुए ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहें। दोस्तों भगवान विष्णु के 10 अवतार में पहला अवतार है मत्स्य अवतार। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया। इसकी कथा इस प्रकार है कि कृत युग के आदि में राजा सत्यव्रत हुए। राजा सत्यव्रत एक दिन नदी में स्नान कर जलांजलि दे रहे थे। अचानक उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आई। उन्होंने देखा तो सोचा वापस सागर में डाल दूं, लेकिन उस मछली ने बोला आप मुझे सागर में मत डालिए, अन्यथा बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। तब राजा सत्यव्रत ने मछली को अपने कमंडल में रख लिया। मछली और बड़ी हो गई तो राजा ने उसे अपने सरोवर में रखा। तब देखते ही देखते मछली और बड़ी हो गई। राजा को समझ आ गया कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। भगवान ने सत्यव्रत से कहा, सुनो राजा सत्यव्रत, आज से 7 दिन बाद प्रलय होगी, तब मेरी प्रेरणा से एक विशाल नाव तुम्हारे पास आएगी। तुम सप्त ऋषियों, औषधियों, बीजों व प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर उसमें बैठ जाना। जब तुम्हारी नाव डगमगाने लगेगी तब मैं मत्स्य के रूप में ऊपर आ जाऊंगा। उस समय तुम वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग से बांध देना। उस समय प्रश्न पूछने पर मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। तब समय आने पर मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, जो मत्स्य पुराण नाम से प्रसिद्ध है। अब दोस्तों भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है कूर्म अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कछुए का अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहा जाता है। इसकी कथा इस प्रकार है कि एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवताओं के राजा इंद्र को श्राप देकर श्रीहीन कर दिया। इंद्र जब भगवान विष्णु के पास गए तो उन्होंने समुद्र मंथन करने के लिए कहा। तब इंद्र भगवान विष्णु के कहे अनुसार देवतियों व देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने को तैयार हो गए। समुद्र मंथन करने के लिए भद्रांचल पर्वत को मथानी एवं नागराज वासुकी को नेति बनाया गया। देवताओं और देवतियों ने अपना मतभेद बुलाकर भद्रांचल को उखाड़ा और उसे समुद्र की ओर ले चले, लेकिन वे उसे अधिक दूर तक नहीं ले जा सके। तब भगवान विष्णु ने भद्रांचल को समुद्र तट पर रख दिया। देवता और देवतियों ने भद्रांचल को समुद्र में डालकर नागराज वासुकी को नेति बनाया, किंतु मद्रांचल के नीचे कोई आधार नहीं होने के कारण वह समुद्र में डूबने लगा। यह देखकर भगवान विष्णु विशाल कूर्म यानी कछुए का रूप धारण कर समुद्र में मद्रांचल के आधार बन गए। भगवान कूर्म के विशाल पीठ पर मद्रांचल तेजी से घूमने लगा और इस प्रकार समुद्र मंथन संपन्न हुआ। अब दोस्तों भगवान विष्णु का तीसरा अवतार है वरह अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने वरह रूप में लिया था। वरह अवतार से जुड़ी कथा इस प्रकार है कि पुरातन समय में दैत्य हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया, तब ब्रह्मा की नाक से भगवान विष्णु वरह रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु के स्वरूप को देखकर सभी देवताओं और ऋषि मुनियों ने उनकी स्तुति की। सबके आग्रह पर भगवान वरह ने पृथ्वी को ढूंढना प्रारंभ किया। अपनी थूथनी की सहायता से उन्होंने पृथ्वी का पता लगा लिया और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों पर रखकर वे पृथ्वी को बाहर लेकर आए। जब हिरणाक्ष दैत्य ने यह देखा तो उसने भगवान विष्णु के वरह रूप को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान वरह ने हिरणाक्ष का वध कर दिया। इसके बाद भगवान वरह ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। दोस्तों भगवान विष्णु के चौथे अवतार हैं भगवान नरसिंह। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप का वध किया। इस अवतार की कथा इस प्रकार है कि धर्म ग्रंथों के अनुसार दैत्यों का राजा हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान से भी अधिक बलवान मानता था। उसे मनुष्य, देवता, पक्षी, पशु व दिन में न रात में न धरती पर न आकाश में न अस्त्र से न शस्त्र से मारने का दान प्राप्त था। उसके राज में जो भी भगवान विष्णु की पूजा करता था उसको दंड दिया जाता था। उसके पुत्र का नाम था प्रह्लाद। प्रह्लाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। ये बात जब हिरण्यकश्यप को पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुआ और प्रह्लाद को समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी जब प्रह्लाद नहीं माना तो हिरण्यकश्यप ने उसे मृत्यु दंड दे दिया। हर बार भगवान विष्णु के चमत्कार से वह बच गया। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था, वह प्रह्लाद को लेकर धधकती हुई अग्नि में बैठ गई। तब भी भगवान विष्णु की कृपा से प्रह्लाद बच गया और होलिका जल गई।
जब हिरण्यकश्यप स्वयं प्रह्लाद को मारने ही वाला था तब भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में आए और खंभे में प्रकट हुए। उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। दोस्तों भगवान विष्णु का पांचवा अवतार है वामन अवतार। उसमें प्रह्लाद के पौत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। सभी देवता इस विपत्ति से बचने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं स्वयं देव माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर तुम्हें स्वर्ग का राज्य दिलाऊंगा। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। एक बार जब महाराज बलि महान यज्ञ कर रहा था तब भगवान वामन बलि की यज्ञशाला में गए और राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य भगवान की लीला समझ गए और उन्होंने बलि को दान देने से मना कर दिया, लेकिन बलि ने फिर भी भगवान वामन को 3 पग धरती देने का संकल्प ले लिया। भगवान वामन ने विशाल रूप धारण कर 1 पग में धरती, दूसरे पग में स्वर्ग नाप दिया। जब 3रा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा तो बलि ने भगवान वामन को अपने सिर पर पग रखने को कहा। बलि के सिर पर पग रखने से वह सुतलोक पहुंच गया। बलि की दानवीरता देखकर भगवान ने उसे सुतलोक का स्वामी भी बना दिया। इस तरह भगवान वामन ने देवताओं की सहायता कर उन्हें स्वर्ग पुनः लौटाया। अब दोस्तों भगवान विष्णु का 6ठा अवतार है श्री राम अवतार। त्रेता युग में राक्षस राज रावण का बहुत आतंक था, उसे देवता भी डरते थे। उसके वध के लिए भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लिया। इस अवतार में भगवान विष्णु ने अनेक राक्षसों का वध किया और मर्यादा का पालन करते हुए अपना जीवन यापन किया। पिता के कहने पर वनवास गए। वनवास भोगते समय राक्षस राज रावण उनकी पत्नी सीता का हरण कर ले गए। सीता के खोज में भगवान लंका पहुंचे। वहां भगवान श्री राम और रावण का घोर युद्ध हुआ जिसमें रावण मारा गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर देवताओं को भयमुक्त किया। दोस्तों भगवान विष्णु का 7वां अवतार है श्री कृष्ण अवतार। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लेकर अधर्मियों का नाश किया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। इनके पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम देवकी था। भगवान श्री कृष्ण ने इस अवतार में अनेक चमत्कार किए और दुष्टों का सर्वनाश किया। कंस का वध भी भगवान श्री कृष्ण ने ही किया। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने और दुनिया को गीता का ज्ञान दिया। धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाकर धर्म की स्थापना की। भगवान विष्णु का ये अवतार सभी अवतारों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अब दोस्तों भगवान विष्णु का 8वां अवतार है परशुराम अवतार। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक थे। भगवान परशुराम के जन्म के संबंध में 2 कथाएं प्रचलित है। वंश पुराण के अनुसार उन्हीं में से एक कथा इस प्रकार है कि प्राचीन समय में महेश्वरी नगरी पर शक्तिशाली यही वंश क्षत्रिय कार्तिकेय अर्जुन सहस्त्रबाहु का शासन था। वह बहुत अभिमानी और अत्याचारी था। एक बार अग्निदेव ने उससे भोजन कराने का आग्रह किया। तब सहस्त्रबाहु ने घमंड में आकर कहा कि आप जहां से चाहे भोजन प्राप्त कर सकते हैं, सभी और मेरा ही राज है। तब अग्निदेव ने वनों को जलाना शुरू कर दिया। एक वन में ऋषि आपव तपस्या कर रहे थे। अग्नि ने उनके आश्रम को भी जला डाला। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने सहस्त्रबाहु को श्राप दिया कि भगवान विष्णु परशुराम के रूप में जन्म लेंगे और न सिर्फ सहस्त्रबाहु का बल्कि समस्त क्षत्रियों का सर्वनाश करेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने भार्गव कुल में महर्षि जमदग्नि के 5वें पुत्र के रूप में जन्म लिया। अब दोस्तों भगवान विष्णु का 9वां अवतार है बुद्ध अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध भी भगवान विष्णु के ही अवतार थे, परंतु पुराणों में वर्णित भगवान बुद्ध देव का जन्म गया के समीप कीकट में हुआ बताया जाता है और उनके पिता का नाम अजन बताया गया है। यह प्रसंग पुराण वर्णित बुद्ध अवतार का ही है। एक समय दैत्यों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी, देवता भी उनके भय से भागने लगे। राज्य की कामना से दैत्यों ने देवराज इंद्र से पूछा कि हमारा साम्राज्य स्थिर रहे इसका क्या उपाय। तब इंद्र ने शुद्ध भाव से बताया कि सुस्थिर शासन के लिए यज्ञ और देव विहित आचरण आवश्यक है। तब दैत्य वैदिक आचरण एवं महायज्ञ करने लगे जिससे उनकी शक्ति और बढ़ने लगी। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने देवताओं के हित के लिए बुद्ध का रूप धारण किया। उनके हाथ में मार्जनी थी और वे मार्ग को बुहारते हुए चलते थे। इस प्रकार भगवान बुद्ध देवताओं के पास पहुंचे और उन्हें उपदेश दिया कि यज्ञ करना पाप है, यज्ञ से जीव हिंसा होती है, यज्ञ की अग्नि से कितने ही प्राणी भस्म हो जाते हैं। भगवान बुद्ध के उपदेश से दैत्य प्रभावित हुए। उन्होंने यज्ञ और वैदिक आचरण करना छोड़ दिया। इसके कारण उनकी शक्ति कम हो गई और देवताओं ने उन पर हमला कर अपना राज्य पुनः स्थापित किया। दोस्तों भगवान विष्णु का 10वां अवतार है कल्कि अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु कलयुग में कल्कि रूप में अवतार लेंगे। कल्कि अवतार कलयुग और सतयुग के संधिकाल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे, तभी सतयुग प्रारंभ होगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।
और यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, कमेंट में जय श्री हरे विष्णु जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर से किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री कृष्णा।